कोरबा की एसीसीएल कुसमुंडा खदान में नहीं थम रही है कबाड़ की चोरी। दर्जनों की संख्या में बरमपुर से कुछ लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, कुसमुंडा खदान अंदर एक नंबर एंडम गेट के सामने से होकर एक नंबर वर्कशॉप परिसर में घुसते हैं और लोहे के बड़े बड़े पार्ट्स को सिर पर या साइकिल में रखकर नारायणी कैंप परिसर से होते हुए गेवरा रेल लाइन तक ले जाते हैं। वहां से नहर पार कर बरमपुर में किसी कबाड़ी तक पहुंचाते हैं, जहां उनका हिसाब किताब कर दिन भर में इकट्ठा किए लोहे के सामान को पिकअप के माध्यम से कोरबा स्थित गोदाम पहुंचाया जाता है। इसी जेल कर्मचारी भी अब इस पर कह कह कर थक चुके हैं। इनके द्वारा इस चोरी की अनेकों बार शिकायत इसी सेल के अधिकारी, सुरक्षा कर्मियों और सीआईएसएफ से भी की जाती है, पर परिणाम यही कि चोरियां खुलेआम जारी हैं। इसी सेल के संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके मत्थे हैं, वही इस मामले में चेहरा ढक रहे हैं। इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो चोरों से मिलीभगत है या उन्हें इसी सेल के संसाधनों से कोई सरोकार नहीं। बताया जा रहा है कि केवल वर्कशॉप नंबर एक से ही प्रतिदिन 3 से 4 टन लोहा इन चोरों के द्वारा पार कर दिया जाता है, जिसमें पीतल तांबे के बने कीमती सामान भी होते हैं। अगर अब जल्द ही इन चोरों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो वो दिन दूर नहीं जब ये कबाड़ के साथ साथ साबुत सामानों को भी चोरी करना शुरू कर देंगे।